इंटरव्यू में एक वायरल वर्चुअल इंटरव्यू में एक चैट शो के दौरान मान्यता दत्त ने अपने पति संजय दत्त को लेकर ये कहा था कि ये समय सबसे खूबसूरत हो सकता था उनके पति संजय दत्त के लिए। संजय दत्त के लिए ये समय सबसे खूबसूरत हो सकता था। क्वारंटीन में वो अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा परफेक्ट समय गुजार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अचानक हुआ लॉकडाउन और इसके बाद वो घर से काफ़ी दूर रहे बच्चे, और बच्चों से दूर होने के बाद संजय को सब अकेले ही करना पड़ा। ऐसी स्थिति में ही उन्हें लंग कैंसर से डायग्नोज होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में संजय दत्त का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें, संजय दत्त को लेकर उनकी पत्नी ने कहा था, दिस वुड हैव बीन द परफेक्ट टाइम फॉर संजय टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स। द लॉकडाउन वॉज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, सो बींग अवे फ्रॉम होम फील्स बैड, बट इन द एंड वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। मान्यता ने कहा कि घर से दूर बहुत दुखी थी मैं, लेकिन जितना हो सका उतना हमने किया, जितना हो सका हमने ज़्यादा समय गुजारने की कोशिश की। वेल, आपको बता दें, KGF 2 Chapter 2 में संजय दत्त नज़र आएंगे। इसके अलावा उनकी फिल्म की बात की जाए तो उनकी और भी कई फिल्में हैं जिसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई, क्योंकि शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। सड़क 2 आने वाली है, भुज द प्राइड आने वाली है, पृथ्वीराज चौहान आने वाली है, इसकी तैयारियां संजय दत्त कर रहे हैं। इन सब के बीच उन्होंने अपने बच्चों से दूर होकर हॉस्पिटल में रहने का फैसला लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल में उन्हें इलाज कराना है, क्योंकि हॉस्पिटल में उनके पास समय नहीं है कि वो व्यस्त करें, केमोथेरेपी कराना है। लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से वो गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी है। इसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ जाहिर भी करते नज़र आए थे। आइए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें संजय दत्त के बच्चे दिख रहे हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आए हैं, क्योंकि बच्चे बिजी हैं किचन में अपने पिता के बिना कुछ ऐसे रहते हुए, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें इकरा और शारन साथ हैं और किचन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।